नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं ये चंदन का पेड़ है। आज हम तिवारिया जयपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर विभोर जैन जी हैं जिन्होंने यहाँ पर चंदन की खेती की हुई है। आज इनसे जानते हैं चंदन की खेती का गणित के इन्होंने चंदन की खेती क्यों की। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। तो मेरा नाम विभोर जैन है और हमारे फार्म का नाम किनाया ऑर्गेनिक फार्म है। ये जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पे हम लोग पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं। तो ये चंदन का पेड़ जो अब मैं हाइट देख रहा हूँ 7 फुट के आसपास इसकी हाइट है। हाँ जी। कितने साल का पेड़ है ये? ये 2 साल का पेड़ है। 2 साल का है। तो चंदन की खेती में आने की कैसे सूझी आपको? देखिए, मेरे को यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री एक मॉडल होता है जिसमें आप एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद फॉरेस्ट्री आप करते हो, मतलब पेड़ों के साथ आप खेती करते हो जी। तो यहाँ पे हमने अब पेड़ लगाने से, तो पेड़ को 4-5 वैरायटी है जो इस एरिया में लगती है जी। उसमें से सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव, जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला जो पौधा है वो चंदन ही है जी। और एक ये भी है, इसमें कम पानी में ये चल जाता है। हाँ जी, इसमें पानी कम लगता है और इस मिट्टी में, यहाँ की सैंडी दोमट मिट्टी है जी, सैंडी लोमी सॉइल बोलते हैं इसको, इसमें चंदन बहुत बढ़िया होता है। आप देख ही सकते हैं 2 साल में कितनी, लिटरली इतना सा पौधा था जब लगाया था और आज इतना बड़ा हो गया। तो जब ये कमर्शियल लेवल पे आता है, जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, लकड़ी तैयार हो जाती है, कितना समय ले लेता है ये? ये लगभग 12 से 15 साल लगते हैं इसको मैच्योर होने में। और मैच्योर होने के बाद इसमें जो हार्डवुड होती है, इसमें खुशबू आती है, कितनी निकल आती है एक पेड़ से? डिपेंड करता है वो तो। सर, आप मान के चलिए एक पेड़ की, इसमें सैंडलवुड ऑयल होता है जिसकी वैल्यू की वजह से ही इसकी वैल्यू होती है जी। ये सफ़ेद चंदन है, 2 टाइप के चंदन रहते हैं, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन जी। लाल चंदन में तेल नहीं होता जी, और सफ़ेद चंदन में तेल होता है, तो जितना ज़्यादा तेल होता है उतनी ज़्यादा इसकी कीमत होती है। तो आज की तारीख में 1 किलो का जो भाव है 6 से 10 हज़ार रुपये 1 किलो का होता है, हार्डवुड का, जो अंदर की जो लकड़ी होती है ना पकी हुई, जिसके अंदर तेल की मात्रा होती है। तो वो इसमें आप मान के चलिए 12 से 15 साल में अगर आप अच्छे तरीके से इसको, आपके यहाँ अच्छे तरीके से हो रहे हैं अगर, ये तो 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से एक पेड़ की कीमत हो जाती है। एक पेड़ दे जाता है, एक पेड़ दे जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने ये एफडी, अलग अलग एफडी की हुई है, जितने पेड़ हैं उतनी एफडी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, इसके लिए मैंने सुना होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। तो चंदन क्या होता है, एक सेमी पैरासाइटिक प्लांट होता है, ये खुद के बल पे नहीं जीवित रह सकता, सफेद चंदन जी। तो इसके साथ हम होस्ट प्लांट लगाते हैं। तो जैसे होस्ट हमने यहाँ पे एक तो एक कैजुरीना लगाया है जी, इसकी पत्तियाँ इस प्रकार की होती हैं, अभी हमने इसकी प्रूनिंग करी है। हाँ, जैसे चीड़ की पत्तियाँ होती हैं ऐसे पत्तियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो एक कैजुरीना लगाया है और एक नीम है, अपना जो देसी नीम होता है। हाँ जी। वो लगाया है। तो चंदन क्या करता है, अपनी जड़ों को इनकी जड़ों के साथ एकदम ऐसे मिला लेता है। हाँ। और फिर पोषण लेता है दोनों, एक तरह से परजीवी प्लांट है। परजीवी है ये, बिल्कुल जी। मतलब खुराक ये है कि मैं बैठा हूँ लेकिन मेरे लिए आपने कमा के देना, मैं आपका कमाया हुआ खाऊंगा, ये है चंदन का जो मेन फंडा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपका जो चंदन की फार्मिंग आपने की हुई है, कितने लैंड में की हुई है? हमने अभी तो लाइक 2 साल पहले हमने लगभग 1.25 एकड़ में लगाया था चंदन जी, और अब हम 3 एकड़ और में अभी इस साल लगाने मतलब वाले। आपको लगा ये आपका चल गया, पहले आपने एक्सपेरिमेंटल तौर पर किया जी, जी, जी। और अब ये चल गया तो आपको एक हौसला आ गया कि मुझे अभी और बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आपने 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाए? 1 एकड़ में लगभग ये हमने ना 24 फीट की दूरी रखी है रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट ये 12 फीट। इसमें आप इंटरक्रॉप करते हैं? इंटरक्रॉप हम इसमें सब्जियां लगाते हैं बेड्स बना के, और जैसे इस तरफ आप देखेंगे अगर जी, तो यहाँ पे हमने जैसे 24 फीट तो चंदन के बीच में डिस्टेंस होगी, और 12 फीट पे हमने यहाँ पे अनार लगा दिया। हाँ, आपने अनार भी किया हुआ है, चंदन हाँ, भी किया, और मैं देख रहा हूँ आपने मौसमी भी लगाई, मौसमी भी करी हुई है, और इस तरीके से जो बेड दिख रहा है इस पे हम अभी सब्जी भी लगाने वाले हैं जी। जी, तो ये आपने जब प्लांट लिए थे चंदन वाले जी, तो ये एक प्लांट कितने का आया था आपका? मात्र 30-40 रुपए का एक पौधा आता है, इससे कोई खास कीमत नहीं होती। बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, अगर वो 100-150 रुपए का एक पौधा बेच रहे हैं, उतनी कीमत नहीं रहनी चाहिए चंदन के पौधे की। हाँ, मतलब ये है कि लोग अवसर का फायदा उठा हाँ लेते जी, हैं हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि चंदन के बारे में वास्तव में लोगों को पता नहीं है। वीडियो बनाने की वजह भी यही है कि लोग जागरूक हों, इस बारे में उनको सही जानकारी मिले। आपके यहाँ मैंने देखा चंदन की खेती है, तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये आपके 2 साल के हैं, इसमें ये बताइए क्या फर्टिलाइजर किस तरह का आप डालते हैं इसमें? हम लोग यहाँ पे हमारे, हमने बायोगैस प्लांट लगा रखा है, उसकी जो स्लरी होती है
वो हम साल में दो बार इनमें चंदन में डालते हैं। उसके अलावा और कुछ फर्टिलाइजर देने की इसमें कोई आवश्यकता मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर आप इसमें डाल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती, आप देख ही सकते हैं। मैं देख रहा हूँ प्लांट इतना खूबसूरत, अच्छा प्लांट चला हुआ है, मुझे अच्छा लगा। अनार भी आपके देखो फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, मौसमी में आपकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, साथ में आपने सब्जियां लगाई हुई है और आपने ये सारा कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये बताइए ओवरऑल कैसा लगा आपको ये चंदन की जो आप प्लांटेशन की है, ये आपने फूड फॉरेस्ट एक तरह से लगाया हुआ है, साथ में आपने ये एफडी वाली क्रॉप भी लगाई हुई है, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए एक्सपीरियंस तो थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई साहब रिजल्ट तो इसका दिख रहा है, कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। सही बात है। ये जिस हिसाब से पेड़ चल रहा है तो ये आपको जो आपने सोचा है उससे बढ़कर ये आपको बेनिफिट देगा। सही बात है जी। एक तो बेनिफिट आर्थिक रूप से इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और दूसरी चीज मैं सारे किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अपन अभी जिस तरीके से कन्वेंशनल जो अभी जिस तरीके से खेती हो रही है, पूरे खेत की अपन जुताई कर देते हैं और उसमें यूरिया डीएपी छाट छाट के अपन खेती करते हैं, उस तरीके से अगर अपन खेती करते रहे आने वाले 15 से 20 साल के बाद अपन खेती कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन की जो उपजाऊ होती है जमीन वो बंजर होते जा रही है धीरे धीरे। इतना जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उससे जो केचुआ है वो भी मर रहा है और जमीन का जो स्ट्रक्चर है जो इसकी फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हार्डनेस बढ़ रही है जमीन में। अगर हम गोबर का खाद या ऑर्गेनिक मैन्यूर नहीं यूज करेंगे तो हमें एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। सर इसमें क्या रहता है, मिट्टी अपनी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है उसी के बेसिस पे, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज्यादा अच्छी फर्टाइल मिट्टी रहेगी। बिल्कुल। मिट्टी में कार्बन कंटेंट बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो अपन जो पशु हैं उनका गोबर डालें, या फिर अगर अपन ऐसे पेड़ों की खेती करें तो पेड़ों की जो पत्तियां गिरेंगी उससे ही कार्बन कंटेंट बढ़ सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके अलावा अपन यूरिया डीएपी डालते रहे 10 साल तो हो जाएगा, उसके बाद पंजाब में जो स्थिति है 0.5% भी बिल्कुल कार्बन कंटेंट नहीं रह गया। तो ये जो तरीका है इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, चंदन में लागत बहुत कम आती है शुरुआत में लगाने में, ना तो पेड़ की ज्यादा कीमत है ना ही इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है, बहुत कम पानी लगता है इसमें और आप इसको एक बार लगा लो तो इसके साथ में आप कोई भी फसल करिए, इसको आप 40-40 फीट की रोज में भी लगा सकते हैं और बीच में जो 40 फीट है उसमें आपको कनक करना है, जो भी फसलें आप लगाते हैं आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लगाना जरूर, क्योंकि मतलब पारंपरिक खेती तो आप कर ही सकते हैं और साथ साथ आप अगर डिस्टेंस से लगाएंगे तो ये तो आपका डेवलप होगा ही होगा, तैयार हो जाएगा और आप खेती भी करते रहेंगे। खेती भी कर सकते, सबके पास इतनी गाय नहीं होती कि वो पूरे खेत में अपना गोबर डाल सके, तो सब लोग को यूरिया ही डालना पड़ता बिल्कुल है। पर अगर आप ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगा आने वाले 3-4 साल में। जी दर्शकों, विभोर जी ने आपको अपने चंदन फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जय जय शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।